दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो कल इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स S5 Pro लॉन्च कर दिया था, जो कि 10,000 में आपको 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज देता है। एंड ये स्मार्टफोन मैं कहूँगा डिजाइन और डिस्प्ले तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, एंड पॉपअप भी है, अच्छा दिखता भी है, तो वो चीज़ें ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। 10,000 में एक और स्मार्टफोन आता है रेडमी नोट 8, उससे कंपेयर करेंगे एंड देखें कौन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है अपने हिसाब से। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना कितनी पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वेरिएंट और प्राइसिंग की बात करेंगे, तो दोनों में आपको 4GB 64GB वाला जो है 10,000 का आता है, Redmi Note 8 में भी और इसके साथ Infinix के S5 Pro में भी वो वेरिएंट 10,000 में आता है। इसके अलावा Infinix में कोई वेरिएंट नहीं आता, लेकिन Redmi में दो और वेरिएंट आते हैं। दूसरा है 6GB 64GB जो कि 12,000 का आता है, तीसरा है 6GB 128GB जो कि 13,000 रुपये का आता है। तो अगर आपको अलग वेरिएंट्स भी चाहिए तो आप Redmi में देख सकते हैं। इसके बाद बाकी सारे स्पेसिफिकेशन पे चलते हैं, यानी सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन और डिस्प्ले की। तो सबसे पहले Infinix की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है जिसमें कोई नॉच नहीं है और IPS का पैनल है जो कि फुल HD प्लस का है, कोई नॉच नहीं है, पॉपअप सेल्फी है तो फुल व्यू डिस्प्ले है एंड अच्छा दिखता है, थोड़ा प्रीमियम दिखता है। जबकि रियर साइड पे जाओगे तो वहां पे पॉलीकार्बोनेट है, ट्रिपल कैमरा है, ग्लॉसी फिनिश है, ग्लास जैसा दिखता है बट ग्लास नहीं है, पॉपअप है वो अलग व्यू देता है, उसको लुक देता है, चलो अच्छी चीज है। देन इसके बाद अगर आप जाओगे Redmi Note 8 में तो वहां पे आपको 6.3 इंच का IPS का पैनल मिलता है जो कि फुल HD प्लस का है एंड ये गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोडक्शन के साथ आता है फ्रंट और रियर दोनों साइड में, जो कि आपको नहीं मिलता Infinix के स्मार्टफोन में। रियर साइड में इसमें क्वाड कैमरास हैं एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में रियर साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिपेंड करता है, नॉच आता है इसमें, हाँ फ्रंट साइड में वाटर ड्रॉप नॉच है, तो डिपेंड करता है कि अगर आपको पॉपअप चाहिए एंड फुल व्यू डिस्प्ले चाहिए तो आप जा सकते हो Infinix की तरफ, या फिर अगर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन चाहिए तो आप जा सकते हो Redmi के स्मार्टफोन की तरफ। अब आते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में दोनों में अलग अलग चिपसेट्स हैं। पहले Infinix की बात करोगे तो उसमें MediaTek का Helio P35 का चिपसेट है, थोड़ा पुराना है लेकिन मैं कहूंगा 7-8 हज़ार के फोन तक के लिए ठीक था, 10,000 में मैं कहूंगा थोड़ा ज्यादा कर दिया इन लोगों ने। ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 12 nm पे बेस्ड है, 8 कोर्स में से 4 कोर जो है दोस्तों वो 2.3 GHz पे क्लॉक है, बाकी 4 कोर 1.8 GHz पे क्लॉक है। सारे के सारे कोर्स कोटेक्स A53 वाले हैं, थोड़े पुराने हैं एंड पावरफुल कोर्स उसमें एक भी नहीं है, चलो ठीक है। स्कोर जो है वो 1 लाख के आसपास आ जाता है, तो स्नैपड्रैगन 632 अगर आपको याद हो तो वहां तक चला जाता है, उससे थोड़ा नीचे रहता है, चलो ये भी अच्छी चीज़ है। इसके बाद पावर VR का GPU है जो कि नॉर्मल गेमिंग आपको करके दे देगा, लेकिन अच्छी खासी गेमिंग नहीं कर पाओगे, PUBG खेलते तो इसकी तरफ प्लीज मत देखना, अगर बड़े गेमर हो तो, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन नहीं है, नॉर्मल कैंडी क्रश ये सब खेलते हो तो इजीली खेलोगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। एंड्रॉइड 10 के ऊपर आता है, जो कि पहले XOS चीता आता था, अब XOS डॉल्फिन आता है जो कि 6.2 है, नया वर्जन है, एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड है, उसके साथ आता है, चलो अच्छी चीज है। थोड़े ब्लोटवेयर्स हैं जिसको डिलीट करना पड़ेगा। इसके बदले अगर आप Redmi Note 8 की तरफ जाओगे तो वहाँ पे Snapdragon 665 का चिपसेट है जो कि ज़्यादा पावरफुल है, इसका स्कोर जो है 1,60,000-70,000 तक जाता है, अच्छी चीज़ है। ऑक्टाकोर का चिपसेट है, ये 11 nm पे बेस्ड है, यानी इसकी बैटरी एफिशिएंसी उससे थोड़ी अच्छी रहेगी, वो 12 nm पे था, चलो। ऑक्टाकोर का चिपसेट है जिसमें से 4 कोर 2 GHz पे क्लॉक्ड है, बाकी 4 कोर 1.8 GHz पे क्लॉक्ड है, सारे के सारे कोर जो है क्रायो 260 वाले हैं, चलो अच्छी चीज है। ये एड्रीनो 610 के साथ आता है, यानी गेमिंग ग्राफिक्स ठीक ठाक कर देगा, पबजी यहाँ पे मीडियम में खेल सकते हो, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे एंड थोड़े मोड़े गेम भी खेलोगे, यानी गेमिंग के लिए अगर आपको स्मार्टफोन इन दोनों में चुनना है तो आप Redmi Note 8 की तरफ जाना एज कम्पेयर टू Infinix S5 Pro। इसमें भी आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट आता है जो कि MIUI 11 के ऊपर है, अच्छी चीज है सर। इसमें भी ब्लोटवेयर्स हैं तो थोड़े से हटाने पड़ेंगे आपको, वो चीज देखनी पड़ेगी आपको, लेकिन परफॉर्मेंस अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको 665 ज्यादा बेटर एज कम्पेयर टू Helio P35, यानी Redmi Note 8 Pro जो है, Redmi Note 8 जो है वो ज्यादा बेटर है Infinix S5 Pro से। अब आते हैं कैमरा की बात करें तो कैमरा Redmi में क्वाड सेंसर है रियर साइड पे, जबकि ट्रिपल कैमरा सेटअप है आपको Infinix के स्मार्टफोन में, एंड Infinix के स्मार्टफोन में 2 सेंसर जो उनके कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, नॉर्मली 48+2+ एक लो लाइट सेंसर दिया हुआ है, तो लो लाइट सेंसर कहते हैं उसका कोई यूजेस नहीं होता, 2 MP वाला डेप्थ सेंसर है वो भी चलो, 48 MP का आपको GM1 का सेंसर मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 का है, 1080 वाले वीडियोस निकाल सकते हो। फ्रंट साइड में जाओगे तो वहाँ पे 16 MP का कैमरा दिया हुआ है जिसका अपर्चर F2.0 का है, वहाँ से भी आप 1080 रिजोल्यूशन वाले वीडियो निकाल सकते हो, बुके पैनोरमा HDR दोनों साइड से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन उसके बाद रियर साइड पे फ्लैश है बट फ्रंट साइड पे नहीं दिया हुआ है,
चलो ठीक है। इसके बदले अगर Redmi Note 8 में आते हो तो वहाँ थोड़े फीचर्स ज़्यादा हैं आपको। क्वाड कैमरा सेंसर दिया हुआ है साइड पे, 48+8+2+2 वाले 48 मेगापिक्सल वाला, वही अगेन GM1 का सेंसर यहाँ पे भी है सैमसंग का, इसका अपर्चर F1.8 का है। उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है जिससे आप 115 डिग्री तक की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, चलो अच्छी चीज़ है। 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, ये प्लस पॉइंट है इसका। अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक मैक्रो लेंस एक्स्ट्रा मिलता है आपको इसमें। चलिए यहाँ से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो जो कि अच्छी चीज़ है, जो कि आप नहीं कर सकते इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में। बूके पैनोरामा HDR सब कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर F2.0 का है, वहाँ से भी 1080 रिजोल्यूशन वाला वीडियो निकाल सकते हो। बूके पैनोरामा HDR वहाँ से भी कर लोगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तो ओवरऑल अगर कैमरा देखोगे तो रियर कैमरा अगर कंपेयर करोगे ना तो ऑब्वियसली Redmi ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं। फ्रंट कैमरा में आओगे तो इन्फिनिक्स को आप पॉइंट दे सकते हो। दोस्तों बात करते हैं बैटरी की, तो दोनों में सेम बैटरीज हैं 4000 mAh की, कोई डिफरेंसेस दोनों में नहीं है, लेकिन चार्जिंग में डिफरेंस आ जाता है। इन्फिनिक्स में जाओगे तो वहाँ पे 10W के चार्जिंग का सपोर्ट है एंड 10W का चार्जर भी आता है, USB 2.0 का पुराना वाला पोर्ट है। जबकि इसके बदले Redmi Note 8 में जाओगे तो वहाँ पे आपको 18W का चार्जर आता है बॉक्स में सपोर्ट के साथ, देन उसके साथ साथ आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिलता है। तो ऑब्वियसली जब दोनों की बैटरी सेम है तो यहाँ पे बाजी मार जाता है Redmi Note 8 चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट में। दोस्तों सेंसर्स की बात करें, दोनों में रियर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अच्छी चीज है, दोनों फेस अनलॉक काम करते हैं, अच्छी चीज है। बाकी सारे एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉम्पास, तीनों दोनों में मिल जाएंगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। प्रॉब्लम आती है वाइड वाइन के सपोर्ट में, वाइड वाइन L1 आता है Redmi Note 8 में जबकि L3 आता है इन्फिनिक्स के S5 Pro में। यानी अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो, Amazon Prime देखते हो तो वहां पे आपको S5 Pro में इश्यूज आएंगे, जबकि नहीं आएगा कोई भी इशू आपको Redmi Note 8 में। दोनों में कैमरा 2 API का सपोर्ट है, यानी अगर GCam यूज करते हो तो कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, यही वाइड वाइन L1 और वाइड वाइन L3 का ही इशू है आपको S5 Pro में, Redmi Note 8 में कोई इशू नहीं आएगा। दोस्तों अब आते हैं स्लॉट की बात करते हैं, स्लॉट दोनों में डेडिकेटेड है तो 2 SIM कार्ड के साथ HD कार्ड लगा सकते हो, दोनों को 256 GB तक बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है। इसके बाद बात करें रैम टाइप की, तो दोनों में आपको LPDDR4X वाले रैम मिलते हैं, लेकिन अगर आप स्टोरेज टाइप की बात करोगे तो आपको UFS 2.1 का स्टोरेज सपोर्ट मिलता है Redmi Note 8 में, जबकि eMMC 5.1 का सपोर्ट मिलता है S5 Pro में। तो वो थोड़ा पुराना है eMMC और जो UFS 2.1 है थोड़ा नया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपर हैंड रखता है Redmi Note 8। तो कंफ्यूज अगर हो गए हो सारी चीज़ों में तो बता दूं कि अगर आपको एक पॉपअप सेल्फी वाला स्मार्टफोन चाहिए एक फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, अच्छा दिखने वाला, यानी किसी के सामने टशन दिखाना है कि देखो मेरे पास ऐसा स्मार्टफोन है, तो आप S5 Pro ले सकते हो। एवरेज है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही खराब है, एवरेज है उस प्राइस के हिसाब से, लेकिन अगर आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप लिटरली बाय करो Redmi Note 8। डिपेंड करता है दोनों में आपको कौन सा पसंद आता है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्हें चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो कि वैक्टेमेंस दिख जाएगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो कुछ नए करने साथ, अगले दोस्तों।